दोस्तों व्यू का स्टॉक या व्यू टीवी कब स्टॉक में आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल हो चुका है आज के तारीख में। काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे हैं कि भाई ये कब आएगा स्टॉक में और उनको लेना है, और बहुत ही बोलते हैं ना डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि अगर उन्होंने जो लॉन्च प्राइस है उस पर मिल जाए तो वो टीवी खरीद ले। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे और बताऊंगा कि कब वो स्टॉक में आ सकता है। इसी के साथ ही साथ व्यू टीम बैकग्राउंड में क्या कर रही है कि जल्दी से जल्दी ये स्टॉक में आ जाए। इसी के साथ ही साथ अगर आपको स्टॉक में आता है और अगर नहीं मिलता है तो अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ ही साथ 6 तारीख को आ रहा है प्राइम डे सेल, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स को मैं कवर करने वाला हूं। इसी के साथ ही साथ एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा भाई कि हमारे हैप्पी गाइड के क्विज कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं, जरूर कीजिए। और क्या है ये क्विज कॉन्टेस्ट, वीडियो देखिए आप आगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, डंडा, शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें सबसे पहले व्यू के स्टॉक के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कितने व्यूअर्स सब्सक्राइबर और काफ़ी लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स में भी पूछ रहे हो कि भाई ये 10 तारीख को आ जाएगी ना, 12 तारीख को आ जाएगी ना, 15 तारीख को आ जाएगी, क्योंकि मैंने कहीं तो ऐसा बोला नहीं है। लेकिन बाकी यूट्यूबर्स इस चीज़ को फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग चैनल पे, और ये चीज़ गलत हो रही है इस समय, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स है या फिर बोल सकते व्यूअर्स है उनको एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है कि वो सोच रहे हैं कि 10 तारीख को टीवी आ जाएगी, 12 तारीख को टीवी आ जाएगी और उस दिन हम लोग खरीद लेंगे। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा भाई व्यू टीम से जितनी मेरी बात हुई, उनकी जो मार्केटिंग हेड है उनसे मेरी बात हुई है, और वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग टीवी का स्टॉक लाएंगे, लेकिन किस डेट को लाएंगे वो उनके पास कंफर्मेशन नहीं, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं दे रहे। तो वो यूट्यूबर्स क्या मतलब आपको एग्जैक्ट डेट देंगे, जो मतलब जो कंपनी वाले हैं वो आपको डेट नहीं बता रहे और ये यूट्यूबर्स आपको डेट बता रहे। तो यहाँ पे एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है और बहुत ही वो तेजी से फैल रही है, और एक एक्सपेक्टेशन भी सेट हो जा रहा है भाई कि आपको अपने को उस दिन 10 तारीख को टीवी मिल जाएगी, 12 को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 तारीख को स्टॉक नहीं आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि स्टॉक आए ही और ना ही आए, लेकिन अगर वो आता भी है तो क्या आपको मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि व्यू टीवी का जो डिमांड है इतना ज़्यादा है और सप्लाई डेफिनेटली डिमांड के कंपैरिजन में कम होने वाली है। तो आपको स्टॉक में आया भी तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो, व्यू का स्टॉक तो आएगा, लेकिन किस डेट को आएगा ना मैं कह सकता हूँ ना व्यू टीम के पास है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाई एग्जैक्ट डेट किसी के पास नहीं है, और मैं यहाँ पे आपको एक बोलते ना रॉन्ग एक्सपेक्टेशन आपके साथ सामने सेट नहीं करना चाहता कि भाई 15 तारीख को स्टॉक आ ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो ये चीज़ आप क्लियरली नोट कर लीजिए। इसी के साथ ही साथ अभी प्राइम डे सेल पे हाइसेंस की टीवी लॉन्च होने वाली है, अब वो हाइसेंस की टीवी लॉन्च होगी उसका भी डिमांड और सप्लाई में अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा तो फिर क्या होने वाला आप समझ ही सकते हो। तो ऐसे टाइम पे भाई अब करे तो करे क्या करे, मतलब अभी हमें टीवी तो लेनी है लेकिन स्टॉक नहीं मिल रहा है, और अच्छा कॉन्फ़िगरेशन भी था सब कुछ है, मतलब वो टीवी का डिमांड बहुत ज़्यादा और टीवी भी अच्छी है, मैंने पर्सनली उसको यूज़ भी किया हुआ, उस पर डिटेल वीडियो भी बनाया, ऊपर लिंक आ जाएगी वहाँ पे जाकर चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बात करें हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, तो अल्टरनेट ऑप्शन के हिसाब से मतलब अभी फिलहाल बहुत सारे अदर ब्रांड्स भी हैं जो आपको टीवी दे रहे हैं, और लेकिन वहाँ पे भी मतलब ब्लैक मार्केटिंग या थोड़ा बहुत प्राइसिंग ज़्यादा ही देखने मिल रहा है। तो मुझे मेरे रिसर्च के हिसाब से मैंने एक टीवी फाइंड आउट की है जो है TCL की P8E, ये टीवी मतलब 37,000 रुपीज़ में बहुत ही अच्छे कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन और अच्छे स्मार्ट फीचर्स के साथ आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आपको स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको वो टीवी नहीं मिल रही है स्टॉक में, अगर मिल रही है तो लीजिए डेफिनेटली, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि व्यू की जो टीवी है वो आपको लॉन्च वाले प्राइस पे ही मिलनी चाहिए, उससे एक भी रुपए आपको ऊपर देना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और ब्लैक मार्केटर्स को तो भाई मैं दूर दूर तक मतलब कहीं भी कोई भी एंगल से रिकमेंड नहीं करूंगा, तो आपको भी अपने पैसे बचाने हैं, पैसे वेस्ट नहीं करने हैं ये ब्लैक मार्केटर्स को देके। तो यहाँ पे ये टीवी आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, अगर मैं इस टीवी को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे ये टीवी बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ आ रही है। यहाँ पे आपको एलेक्सा का भाई फीचर देखने मिल जाएगा, एलेक्सा का डिवाइस आपको अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि ये एलेक्सा का कंपेटेबल है बट बिल्ट इन एलेक्सा नहीं है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस टीवी के। बाकी इस टीवी के लुक्स डिज़ाइन और उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया, ऊपर लिंक कर दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना, शायद आपको काफ़ी हेल्प जाएगी और ये टीवी आप कंसीडर कर सकते हो बजट कैटेगरी में।
इसी के साथ ही साथ यहाँ पे बात करें दूसरे ऑल्टरनेट ऑप्शन के बारे में, तो देखो दोस्तों अभी जैसा आपको पता है कि व्यू एक बजट ब्रांड है, इसलिए मैंने आपको एक बजट ब्रांड का ऑप्शन दिया। लेकिन जैसे आप टीवी लेते हो तो एटलीस्ट अगर आप सोच रहे हो कि भाई टीवी ले रहे हो और एटलीस्ट 3 या 4 साल या 5 साल चले, लॉन्ग लास्टिंग चले, अच्छा टीवी हो और उसकी सर्विस भी अच्छी हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा LG का UM7300 लीजिए। बहुत ही अच्छी टीवी है, बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन है, बहुत ही मस्त ब्रांड है और सर्विस वगैरह, और टीवी तो मतलब कंपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसकी प्राइस जब लॉन्च हुई थी पिछले साल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी प्राइस रिडक्शन हुआ है और काफ़ी अच्छा टीवी है और स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगा। इसी के साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ और रिकमेंडेड टीवीज दिए हैं जो आप चेकआउट कीजिए, और ये अगर आपको व्यू की टीवी नहीं मिल रही तो आप ये ऑप्शन को कंसिडर कीजिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें Amazon प्राइम डे सेल के बारे में जो 6 तारीख को 7 तारीख को होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कौन कौन से ऑफर है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स में, टीवी भी है, अलग अलग ब्रांड्स भी है और हर चीज ऑफर के साथ अवेलेबल होना है, तो उस चीज को मिस नहीं करना। तो अब एक बार स्क्रीन पे देखते हैं हमें क्या क्या बेनिफिट और ऑफर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करके यहाँ पर लैंड हो गए और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइम डे लॉन्चेस में 300 प्रोडक्ट्स से भी ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किए गए जो टॉप ब्रांड की तरफ से आने वाले हैं और जिसका बेनिफिट हम सभी को मिलने वाला है। और यहाँ पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट है अगर HDFC का कार्ड यूज़ करते हो इस प्राइम डे सेल में। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे का मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स है, अगर आपको ज़रूरत है मोबाइल फ़ोन, हेडफोन या फिर लाइट, जो भी मतलब अगर आपको ज़रूरत है उस चीज़ की और आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो ये प्रोडक्ट्स को भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो बट यहाँ पे हमारा मेन इंटरेस्ट है टीवी के ऊपर, तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ फ़ोन्स और लैपटॉप्स ही है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे भी चूज़ कर सकते हो। और बस यही इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आपको डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लॉन्चेस इन टीवीज एंड अप्लायंसेस, तो ये एटेक, LG, कोडाक, हाईसेंस सबका फेवरेट इस समय। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सी ऑल प्राइम डे लॉन्चेस इन टीवी एंड अप्लायंसेस, तो यहाँ पे वर्लपूल, IFB, सोनी। हाँ तो दोस्तों सोनी का जो X7500H सीरीज़ है वो स्टोर में मिलता है, ऑफलाइन वेरिएंट है, और यहाँ पे सोनी का एक मॉडल लॉन्च होने वाला है इसी अमेजोन प्राइम डे सेल में जो है X74H, और ये बहुत ही तगड़े प्राइस पे लॉन्च हो रहा है, मतलब इतना ज़बरदस्त प्राइसिंग मैंने आज तक सोनी का नहीं देखा। अगर प्लान कर रहे हो 43 इंच का टीवी लेने के लिए 4K वेरिएंट, तो ये टीवी को मिस मत करना, बहुत खुश रहोगे और सोनी की पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और उसके बाद यहाँ पे देखे तो बहुत सारे लॉन्चिंग दिस प्राइम डे, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, काफ़ी कुछ है। तो आपके हिसाब से अगर डिस्काउंट मिले, जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको डिस्काउंट मिले और उसका फ़ायदा उठाना आपका पूरा हक बनता है, ये हमारे इंडियन कस्टमर्स के लिए ही दिया गया है प्राइम डे सेल। तो और जहाँ तक सवाल है हाईसेंस की टीवी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईसेंस की टीवी भी लिस्ट हो चुकी है 6 तारीख के लिए, रेडी है, कमिंग सून लिखा गया है। तो यही सारी डिटेल्स है, तो टीवी के लिए यहाँ पे अमेजॉन प्राइम डे सेल आपके लिए परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी देने वाला है। दोस्तों यहाँ पे हम सभी ने देखा कि कितने सारे ऑफर्स लिस्टेड है इस अमेजॉन प्राइम सेल के अंडर, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा इस डे को मिस नहीं करना। अगर आप कोई भी चीज़ लेने का प्लान करो तो उस दिन आपको ले लेना चाहिए, और अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा, अच्छा ऑफर भी मिलेगा, और जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी रीड कीजिए और इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए, क्योंकि देखो अगर कोई भी चीज़ सस्ते मिल रही है तो मेरा रिकमेंडेशन होगा आप उसको ज़रूर कंसिडर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दीजिए हर एक प्रोडक्ट के, इसी के साथ अगर आप अमेजॉन प्राइम मेंबर नहीं हो तो बन जाइए क्योंकि वहाँ पे काफी बेनिफिट्स आपको यूजुअली मिलते ही है। दोस्तों आप समय आ गया क्विज कॉन्टेस्ट का, तो क्विज कॉन्टेस्ट बेसिकली इस चीज के लिए रखा गया, इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हम सभी से इंटरैक्ट करने के लिए और कुछ सीखने के लिए। तो यहाँ पे हम एक पूछते आपसे एक सवाल, और अगर आप जवाब सही देते हो तो आपको मिलता है हैप्पी गाइड की तरफ से एक लाइक और कमेंट में हार्ट, और इसी के साथ ही साथ आपका जो कमेंट है, आपका जो आंसर है, वो नेक्स्ट वीडियो में फीचर किया जाता है। इसलिए वीडियो का सवाल था कि LG और सैमसंग की टीवी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, तो अब आप देख लीजिए उनके जवाब और हमारे जितने भी विनर्स हैं इस कॉन्टेस्ट के उनके नाम। तो हियर वी गो।
और आज का क्विज कॉन्टेस्ट का सवाल है कि कौन से टॉप 5 बजट ब्रांड्स है टीवी की कैटेगरी में, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, हम आपको फीचर करेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों अब समय आ गया है आपसे अलविदा लेने का, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक धमाकेदार कंटेंट के साथ। इसी के साथ ही आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, कुछ भी सवाल सुझाओ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। और इसी के साथ एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे काफी कुछ अपडेट्स भी दे दूंगा और आपको बाइंग लिंक में भी मदद कर रहा हूं, तो भाई आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आपको काफी कुछ अपडेट्स और वहां पे भी हेल्प हमारी तरफ से मिल जाएगी। बस कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।